नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे उन 3 संकेतों के बारे में जो हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कितनी शक्ति जागृत हुई है, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ तो हमें पूजा पाठ के द्वारा मिल जाती हैं। जैसे हम देवी देवताओं के नाम से दीपक जलाते हैं, धूप अर्चना करते हैं, साथ में किसी न किसी मंत्रा का जाप भी करते हैं, साथ में भोग अन्य देवताओं के नाम से नाम जप करते हैं। तो कुछ शक्तियाँ तो हमें पूजा पाठ के द्वारा मिल जाती हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ आप लोगों को दिव्य रूप में मिलती हैं, सूक्ष्म रूप में मिलती हैं। जैसे कि आप लोगों को उन शक्तियों के केवल आभास हो सकते हैं, उन शक्तियों का महसूस हो सकती हैं। वो शक्तियाँ खुद में दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अनुभव जरूर कराती हैं। जैसे चलते चलते कोई मुसीबत आना और फिर अचानक ही कोई रास्ता आपके सामने आ जाता है कि इस मुसीबत से निकलने का ये रास्ता है। तो मतलब कि वह जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं वो समय पर ही कार्य करती हैं, जब आपको उनकी आवश्यकता होती है, जब आपको उनकी जरूरत होती है। तो कुछ शक्तियां आपकी सूक्ष्म रूप से आपको मिलती हैं, जिन्हें आप लोग पहचान नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ शक्तियां आपको ब्रह्मांड के रूप में मिलती हैं। ये ब्रह्मांड देता है, इस ब्रह्मांड में 2 ही ऊर्जाएं हैं जो आप लोगों का जीवन में चलती हैं, एक नेगेटिव ऊर्जा और दूसरी है पॉजिटिव ऊर्जा। तो आप लोगों को पॉजिटिव ऊर्जा तब मिलती है जब आप अच्छे कार्य करते हो, जब आप अच्छे कर्म करते हो, और नेगेटिव ऊर्जा आप लोगों को गलत आदतों की ओर से मिल जाती है, गलत कार्यों की ओर, गलत कर्मों की ओर से प्राप्त होती है। तो आप लोग कैसे जानोगे कि आपके साथ भी शक्तियां हैं, आपके साथ भी दिव्य शक्तियां जागृत हो रही हैं? जब आप लोगों के पास ये शक्तियां आना शुरू होती हैं तो आपको आभास होंगे। कैसे? सबसे पहला संकेत, आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्तियां जागृत हो रही हैं? क्या आपका पूजा पाठ, क्या आपका भक्ति, आप लोग ध्यान करते हो, आध्यात्मिक मार्ग में हो, और आपको उनके द्वारा कुछ ऊर्जा प्रदान हो रही है या फिर नहीं हो रही है? सबसे पहला संकेत, आप लोगों की सोच बदलना शुरू हो जाएगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा अकेला रहना पसंद करोगे। जब आपके पास कोई भी शक्ति आना शुरू होती है तो आप लोगों के स्वभाव में बड़ा ही बदलाव आता है। आप लोग दिन भर अकेला रहना पसंद करोगे, दिन भर अकेले बातें करना पसंद करोगे, ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग ध्यान में बिताना शुरू कर दोगे। ठीक है, शांति आप लोगों को ज्यादा, बहुत ज्यादा पसंद आना शुरू हो जाएगी। जितना भी समय आप लोग उठोगे बैठोगे, केवल आंख बंद करके जो अंधकाल अंधेरा आपको नजर आता था उसमें रोशनी देखने की आप लोग कोशिश करने लग जाते हो। खुद की जानने की जिज्ञासा, ठीक है, वो बढ़ जाती है आप लोगों के अंदर भी। मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा कौन है, यह सब कुछ जानने की जो जिज्ञासा है वह बहुत ही अधिक आप लोगों के अंदर जागृत हो जाती है। इसी के साथ साथ जब भी कोई शक्ति आपके अंदर जागृत होती है तो आप अपने शरीर की वाइब्रेशन के द्वारा जान सकते हो कि आपके शरीर में कितनी कंपन बढ़ रही है। जैसे आप लोग आज से 1 महीना पहले किसी मंत्रा को जपते थे या फिर कोई पूजा करते थे, ध्यान करते थे, तो उस समय पर जो कंपन आपके शरीर में थी, जो हीलिंग आपके शरीर में थी, वही हीलिंग आप लोगों के अंदर अगर आज भी उतनी है या फिर उससे अधिक हुई है या फिर नहीं हुई है, इसके द्वारा आप लोग जान सकते हो। क्योंकि जब भी कोई शक्ति आपके शरीर में आती है या फिर कोई ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू होती है, वह किसी भी रूप से आई हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से, आपके दिनचर्या के कार्य से या फिर पूजा से, किसी भी रूप में अगर कोई ऊर्जा आपके शरीर में आना शुरू होती है तो आपके शरीर की हीलिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हीलिंग मतलब कंपन, वाइब्रेशन, आपके शरीर में हल्की हल्की वाइब्रेशन, अंदरूनी वाइब्रेशन वह बढ़ना शुरू हो जाती है जब भी कोई शक्ति आपके आसपास आना शुरू होती है। तो आप लोग इससे जान सकते हो कि आपके शरीर में वो कंपन बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आता है दूसरा संकेत, कि दूसरे संकेत में आप लोग कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर में शक्तियां बढ़ रही हैं। दूसरा संकेत है कि आप लोगों को आपका आत्मविश्वास मजबूत होता नजर आएगा। आप लोग अपने आत्मविश्वास के द्वारा भी जान सकते हैं कि आपके अंदर कोई शक्ति आ रही है या फिर नहीं, क्योंकि जब भी कोई पॉजिटिव शक्ति आपके शरीर में आना चाह रही हो या फिर आपको फल मिल रहा हो या फिर कोई ऊर्जा आ रही है, जो भी आप तपस्या जप जो भी करते हो और उसके द्वारा अगर कोई ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है, तो आप लोगों का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। दिन भर आप लोगों का आत्मविश्वास
बढ़ता चला जाएगा। आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कुछ समय बाद कि जैसे अपने आप में ही कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार से आप लोगों का आत्मविश्वास है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन आपको वह परेशानी बिल्कुल छोटी सी लगना शुरू हो जाती है। हर परेशानी का जो रास्ता है वो आप अध्यात्म से जोड़कर देखोगे। हर परेशानी का जो रास्ता है उसे निकलने का रास्ता जो है वो भी आप आध्यात्मिक से जोड़कर ही देखोगे। आप लोगों को हर एक परेशानी छोटी छोटी लगने लगेंगी। इस ब्रह्मांड में कितने भी दुख है आप लोगों को उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होगा, लेकिन खुद से मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। खुद की आत्मा से जो आध्यात्मिक मार्ग से व्यक्ति जुड़े हुए हैं उनके साथ आपका लगाव बहुत ही गहरा हो जाता है। आप लोगों के मन में, आप लोगों की इच्छाओं में वो देवता आना शुरू हो जाते हैं। आप लोग दिन भर उनके विचार करने लगोगे। दिन भर अगर आपको कोई परेशानी भी होती है तो आप लोग अपने देवताओं के पास जाकर उन बातों को, ये भी परेशानी अगर आपके जीवन में आएगी तो उस परेशानी से बाहर निकलने का जो भी रास्ता है वो आप अपने देवताओं से पूछोगे, अपने भगवान से पूछोगे। इस संसार से आप लोग अपनी परेशानियां शेयर बहुत ही ज़्यादा कम करोगे, यहाँ तक कि आप अपने माँ बाप के साथ भी अपनी समस्याएं नहीं बांटेंगे। आप लोग केवल अपने भगवान पर ही विश्वास रखेंगे। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो ही है जो आपकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो देवता वो भगवान भी उतने ही ज़्यादा गहराई में आपके अंदर उतर जाते हैं जितनी उनकी शक्ति आपके शरीर में होती है, क्योंकि आपके शरीर में उनका एक अंग है, उनका एक हिस्सा है। तो ऐसे में जब भी परेशानी होगी तो आप उन्हीं को जाकर बताना सही समझोगे। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है, जो विचार है, वो आप लोगों के अपने आप ही बदलने शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से बात आती है तीसरे संकेत की। तीसरा संकेत है कि जब भी कोई भी शक्ति आप लोगों के साथ में चलती है, कोई भी ऊर्जा आपके पास आती है, कोई भी शक्तियां आपके पास आती हैं, तो आप लोगों को महसूस होगा कि ज्यादा से ज्यादा उन्हीं देवताओं के बारे में दृश्य आपको दिखना शुरू हो जाते हैं। ध्यान के समय पर निम्न प्रकार के कलर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। ध्यान के समय पर आप लोगों को आकृतियां बनती हुई नजर आ सकती हैं, जैसे निम्न प्रकार की आकृतियां, कभी ज्योति का दिखना, कभी लाइट दिखना, कभी कलर दिखना, या फिर कभी जिस भी देवता को आप मानते हैं उनके अस्त्र शस्त्र दिखना, और सुनाई भी देते हैं। आप लोगों को ऊर्जाएं सुनाई देना शुरू हो जाती हैं, जैसे धुन आना, किसी बांसुरी की धुन बजना, ओम की ध्वनि सुनाई देना, मंदिर की घंटियां सुनाई देना। तो इस प्रकार से धुन भी आप लोगों को सुनाई देना शुरू हो जाती है। साथ में आप लोगों को अपनों के दौरान उन्हीं देवताओं के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं, उनके मंदिर दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जिनकी शक्तियां आप लोगों के साथ में होती हैं। जैसे कोई अगर माँ काली को मानता है तो उनको माँ काली के ही मंदिर दिखाई देंगे, उनको मंदिर दिखाई देते हैं, ज्योति दिखाई देती है, दरबार दिखाई देते हैं, या फिर अस्त्र शस्त्र आभूषण गहने, यह सब कुछ उन्हीं देवताओं का नजर आएगा जिन देवताओं की शक्तियां आपके अंदर जागृत हैं। साथ में आप लोगों को आभास भी होते हैं, जैसे जैसे आपकी शक्तियाँ बढ़ती हैं वैसे वैसे आभास भी आप लोगों के साथ में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप लोग अगर माँ को मानते हैं तो आप लोगों को एहसास होगा कि जैसे माँ आपके आसपास है, कोई आपके आसपास घूम रहा है। पूजा के समय पर आपको किसी आने का आहट आना, किसी जाने की आहट होना, फिर सोते हुए महसूस होना कि कोई आपके पास घूम रहा है। तो इस प्रकार से आपके अनुभव आभास भी बढ़ जाते हैं उन शक्तियों के लिए जो शक्तियाँ आपके साथ में होती हैं। लेकिन काफ़ी सारे साथक ऐसे हैं जिनके साथ अनुभव होते हैं लेकिन फिर भी वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। समस्या है, किसी न किसी कारण से उनके साथ ऐसा होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपनी समस्या के बारे में, अपने घर की समस्या के बारे में, या कोई कार्य है जो नहीं हो रहा है, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, आपको उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है, अपनी समस्या बतानी है, उसके बाद जो भी समस्या का समाधान है आप लोगों को तुरंत बता दिया जाएगा। अगर आप और साधकों के अनुभव देखना चाहते हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी गाइडलाइन जाकर चेक कर सकते हैं, वह अनुभव देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ।